या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां ते नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत कर सज्जणो ते भराओ कुछ पाकिस्तान दे लोकां नूं समझ नहीं आई कि पाकिस्तान दे नाल इह खेल की होया इह जिहड़ा अदमत माद वाला खेल होया इह पाकिस्तान दी रियासत दे नाल इक धोखा कीता गया पाकिस्तान दी रियासत दे नाल एक चलाकी की गई पाकिस्तान की रियासत उत्ते एक गासबाना कब्जा करने की कोशिश की गई आ पाकिस्तान की रियासत नू अपने बूटा दे थले रौंदन की कोशिश की गई आ लेकिन आफरीन आ उस आवाम उत्ते आफरीन आ उन्हां अदारियां दे उत्ते आफरीन आ सुप्रीम कोर्ट दे उत्ते जिन्हें बर वक्त जिहड़ी मदाखलत करके ये जिहड़ा सारा सिलसिला वा इन तलपट कर दिता हुण इहदे नतीजे की आणगे इहदे उत्ते मुख्तलिफ किस्म के अफवाह फैलाईया जा रही मुख्तलिफ किस्म के लोगों के तबसरे आ रहे मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट आ रहे आ फेक न्यूज़ जड़ियाँ वा वह फैलाई जा रही जेडे कल तक कहते जी कि स्टैबलिशमेंट न्यूट्रल होगी न्यूट्रल होगी अज उन्होंने फेक गिदड़ा वगू जो रौला पाना शुरू करता चीखना शुरू कर दिता वो हूँ अपने जेडे सोशल मीडिया जोड़ा वा उन्हों लैके तो वो मुख्तलिफ किस्म जाली खबर और जोड़े मनहूस एंकर जिहड़े ओ जिहड़े पाकिस्तान के खिलाफ आ वह मनहूस एंकर जिहड़े आ वह गलत खबर जिहड़ियां वा वह शाया कर रहे आ वह ट्विटर ते चला रहे आ वह फेसबुक ते चला रहे आ उन्हां नूं मतलब कि गद्दार मैं तो नहीं कहता एक वक्त आएगा जदों तारीख उन्हां नाल हिसाब किताब उन्हां दे मुतलक लिखेगी वह उन्हां दी जिंदगी च लिखिया जाए उन्हां दे मरण तो बाद लिखिया जाए लिखन लिखिया जरूर जाएगा ये जिहड़ा इस वक्त सनैरियो पाकिस्तान के अंदर चल रहा वा ये वो सनैरियो आ जिस तरह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 आज़ाद होया सी अज पाकिस्तान जिहड़ा 75 साल तो बाद अमेरिका की गुलामी चो आज़ाद होने वास्ते अपने हाथ पाँव मार रहा जिस तरह इंसान एक कित गर्दाब के पानी के अंदर फस जाए वो अपने बचाओ के वास्ते मुख्तलिफ किस्म के हथ कंडे इस्तेमाल करता वो जिदा कहें डूबते को तिनके का सहारा पाकिस्तान जरा वा इस वक्त जिस पोजिशन पर आ वह ये आ तमाम जी सुहूनी ताकत वा वह प्रैशर पा रही लेकिन इतने पाकिस्तान के जोड़े दोस्त मुबालक आ जोड़े पाकिस्तान के हमदर्द आ वो मैदान के आ गए सब तो पहली गल उन्होंने करा फिर दो तीन फेक न्यूज़ जड़िया बहुत बड़िया चलाईया गई उन्होंने गल करा तो जदों तक वीडियो का टाइम खत्म हो जाएगा गल यह जी कि सब तो पहली गल ये आ कि अज रूस जरा उसका बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जी खुल खिला के रशिया जरा वो सामने आ गया रशिया की वजारत खारजा की जी सैकटरी साहब वा उन्होंने अज प्रेस ब्रीफिंग जारी की आ अपने मुल्क चो की उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को रशिया का दौरा करने के उत्ते जी सज़ा दी जा रही है ये नाकाबले बर्दाश्त आ और असी इसकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं ये उन्होंने हल्का जहा बयान पहले भी दिता सी लेकिन वो क्यों जरा 95% मीडिया वा वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ आ इमरान खान के खिलाफ आ क्यों उन्होंने ये हूँ अल्लाह जाने जी बकौल जराए उन्होंने कोई चाह पानी जरा वा बिस्कुट वगैरह कोई केक रस कोई होर इदा दे जड़े पाइनएप्पल के केक वगैरह वो अच्छे खिलाए गए आ ब्रोस्ट खिलाए गए वजह के नाल जरा वो जो बंदा कहते कुछ खा पी लवे किसी का नमक खा लवे फिर वो गल उधर नहीं करनी पैंदी आ इस वास्ते वो जिहड़ियां बहुत सारिया जिहड़ियां चंगियां खबरां 3.5 साल दियां सी उन्होंने अपने पेट के अंदर जबत कर लिया जबान ते एक जहर जिहड़ा वा जिदा काला नाग हुंदा वो जो खड़ा हो जाता फन फैला के फिर वह जहर सुटदा वा वो कतरे दूर तक जाते यही मीडिया जिहड़ा वा ये जहरीला मीडिया जिहड़ा वा ये बहुत सारे जिहड़े चैनल आ उन्होंने यही काम किया एक सियाह चेहरा पाकिस्तान की इस हुकूमत का पाकिस्तान का पेश करने की कोशिश की आ अक्सर औकात तुम देखा होना कि जिथे इंडिया के मुफादात या दूसरे मुफा मुल्क के मुफादात हो जड़े बड़े बड़े एंकर से उधर जाके खड़े हुए बजाए ये कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते इन्होंने ये किया बाहर आल के जी रशिया जरा वा वह खुल खिला के मैदान के आया उन्हें यदि मजम्मत कर दी उन्हें कहा कि रजीम चेंज के कोई शक नहीं हैगी 100% ये सारा जी प्लैनिंग आ की गई आ पाकिस्तान के खिलाफ ये मुख्तलिफ जगह के उत्ते कार्रवाइया पाई गई अदारे भी पाई गई जनाब जे बिजनेसमैन आ उन्हें भी पाई गई सियासतदान जोड़े बहुत सारे उन्होंने
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮਰਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ, 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਦਮ ਅਤਮਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਲਾ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਨਈਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਵਕਾ ਕੋ ਅਲਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਿਨਟਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਤੀ ਜਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਤ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਵੇਂ ਸਫੀਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਰਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ DGISI ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ISBR ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਅਲਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਹਦਾ ਪੁਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਬਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਕਲਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 4-4, 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ, ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਐਂਕਰ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ, ਨਾ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੌਫ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਨਹਰਫ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ? ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੁਬਈ
जिन्हों UAE किया जाता वा उन्हें $2 अरब का जोड़ा सी टाइम आ चुका सी, उन्होंने रीशड्यूल कर दिता वा। इस तरह ही जरा रशिया वा उन्हें भी पाकिस्तान को एक बड़ी ऑफर की आ। तुर्की जड़ा वा सब तो ज़्यादा शोर जड़ा जी तुर्की दे मुल्क दी आवाम आ उन्हें और बहुत सारे अरब ममालिक जड़े आ उन्होंने आवाम जी इमरान खान के हक के खड़े हो गए आ। तुर्की दे विच बड़ी तशवीश की लहर पाई जा रही आ और उन्हों का जरा तुर्की तुसी उर्दू न्यूज़ जी उद्दे जाके खबर पढ़ो वो विद पिक्चर जड़िया वा उत्थे तुहानूं नज़र आएगा कि लोग एहतजाज कर रहे इस अदम अतमाद दे जिहड़ी ए अपोजिशन ने खेल खेलिया वा। तुर्की जड़ा वो सामने आ चुकिया वा। इस तरह ही जनाब ईरान आ वो खुल खिला के इस मामले सामने आ गया कि ये काम नहीं होने दिता जाएगा। जिहड़ी रजीम चेंज वाला फार्मूला जिहड़ा कीता गया वा जिहड़ा अमेरिका का एक ख्वाब आ इत्थे जिस तरह उन्हें यूक्रेन दे विच हवा भर के रूस का नक् बंद करन दी कोशिश की उहदा साह बंद करन दी कोशिश की आ ताकि उहदियां जिहड़ियां मसनूआत आ उहनूं डाउन किया जाए गैस और पेट्रोलीयम दी मसनूआत नूं डाउन करके अपने मुल्क दी मसनूआत जिहड़ियां महंगे दामां च यूरोपी यूनियन बेची जाए और जिहदे ते फिर जिहड़ी यूरोपी यूनियन आ उहने जनाब अमेरिका नाल मदद की कि जनाब असी बिल्कुल ये काम नहीं करांगे असी जो कुछ रशिया दे कोलों लै रहे हैं वो असी लैंदे रहना तुहाडा दिल करदा साडे नाल काम करो तुहाडा दिल करदा नहीं करो। सब तो बड़ी जिहड़ी ये चाल पहली जिहड़ी चली गई सी उत्थे चली गई थी। फिर अफगानिस्तान के जिहड़े पैसे जिहड़े रुके गए आ वह भी एक चाल के तहत रुके गए ताकि वह जिहड़े गरीब लोग आ वो घुटने टेकन ते मजबूर हो जाण भुख दे नाल प्यास दे नाल अपने मुल्क दे माशी मसाइल नूं हल करन दी खातर साढ़े अगे कशकोल लैके आ जाण। जिदा शबाशरी साहब ने कहा कि जिहड़ा फकीर हुंदा उहदी कोई इज्जत नहीं हुंदी, जिदा ख्वाजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान की कौम जिहड़ी वेंटीलेटर ते आ ते साढ़े नालों भैड़े हालात अफगानिस्तान दे आ वो ये गेम खेली गई। उस तो बाद जदों ना गए अफगान गैरतमंद लोग जिहड़े आ उहनां दे कोल नहीं गए, उन्होंने चाहे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तुर्की ने किया ईरान ने किया चाहे चाइना ने किया चाहे रशिया ने किया या दूसरी जिहड़ियां रियासतां वा उन्होंने उन्होंने सपोर्ट किया वो अपना काम चला रहे हैं किसी भी तरीके नाल चला रहे लेकिन वो अमेरिका नहीं गए। वो क्लेम जरूर कर रहे कि साढ़े पैसे सानू वापस किए जा लेकिन वो कशकोल लैके वो गैरतमंद कौम आ उन्होंने दरवाजे पर नहीं गई। डिमांड उन्होंने हैगी है कि साडा हक सानू वापस किया जाए। बहरहाल उन्होंने फिर अगला जिहड़ा वार किया कि सी पैक जिहड़ा वा उहदे उत्ते वार किया जाए वह फिर जिहड़ी ये खिचड़ी पकाई गई आ और जिहड़े हैगे आ वस्ती एशिया दे सफीर जिहड़े डोनल्ड ब्लूम साहब जी नूं उन्होंने ये कल इंडिया दे विच भी एक्सैप्ट किया। फिर उन्होंने एक आडियो वीडियो जिहड़ी आ वह रिलीज़ हो गई आ वो आ चुकी आ मार्केट दे विच वो रिलीज़ हो गई आ हुण वो जिथों होई आ वो तुसी आप समझदार हो कि किस मौके पर की गई वो एविडेंस जिहड़ा वा वो पेश किया जाएगा जिहड़ा कि उन्हें बयान दिता सी कि तुर्की दे विच असी की कम करांगे। जो बाइडन साहब के मुतलक भी इदां दी कोई स्टेटमेंट हैगी आ कि उन्हां दा कोई स्टेटमेंट जिहड़ी आ वो आई है सामने कि उत्थे जिहड़ी अपोजिशन आ उन्हूं यकजा किया जाएगा उन्होंने कुछ खैर खराब जिहड़ी आ वो पाई जाएगी। फिर उस तों बाद वो जिहड़े जिदा इत्थे होया वा कि 9-2-11-2 नूं जिहड़ा 11 कठियां करके सोटियां नूं जनाब बन्निया गया बंडल बन के ते पाकिस्तान दी हुकूमत चढ़ाई करती गई। अच्छा ये काम उत्थे भी यही प्रोग्राम आ वो तैयब उर्दगान साहब जरा उस पाकिस्तान उन्हां दी मुआशरत जरा ठीक आ उहदे ते फिर हमला जिहड़ा कीता गया उन्हां दी करंसी जिहड़ी उहनूं तबाह करन दी कोशिश कीती गई लेकिन वो अल्लाह ताला ने उहनां दा साथ दित्ता वो उस क्राइसिस चों भी निकल गए। जनाब पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई आ हुण ये जिहड़े लोग आ जिहड़े मेरे पाकिस्तान के लोग आ वो जिहड़े कुछ उन्होंने सपोर्ट कर रहे आ मेरी रिक्वेस्ट आ कि खुदा दे वास्ते होश दे नाखन लवो पाकिस्तान दे नाल की हो रहा पाकिस्तान दे नाल वो कुछ हो रहा जिहड़ा तुहाडियां आने वालियां नस्लां जिहड़ियां वा वो इहदी सज़ा भुगतनगियां तुसीं ते अपने कबरां च पए होवोगे और तुहाडे ते कोई फातिहा पढ़न भी नहीं जाएगा वो इन्नी तुहाडी जिहड़ी आने वाली नस्ल आ तुहाडे ते लानत भेजेगी कि साडे जिहड़े बजुर्ग सी उन्होंने साडे नाल ये कुछ किया जिस तरह साडे बाबे बजुर्गां ने आ जिहड़ी करप्शन की लानत आ पाकिस्तान दे विच आम की आ इस तरह ही जिहड़ी साडी नस्ल होएगी मेरे बच्चे तुहाडे बच्चे जिहड़े आ वह साडे ते इतनी लानत भेजणगे कि साडियां कबरां ते फातिहा पढ़न भी नहीं जाणगे। उहदी वजह
इस वक्त एक पाकिस्तान जरा आजाद खारजा पॉलिसी वाले पास जा रहा, अमेरिका तो अपनी जान छड़ा रहा, एक नवा ब्लॉक जरा तश्कील दिता जा रहा, आने वाली जी सुपर पावर आ उदे नाल पाकिस्तान के तलकात या इस ब्लाक इस खिते नू एक सुपर पावर की शक्ल देन दे विच जिहड़ा पाकिस्तान का अहम करदार आ। इत्थे हुण बहुत सारे सवाल आता क्या पई की फैसला आंदा, क्या अदारे की सोच रहे आ, क्या वो अपना शिफ्ट जिहड़ा वो मुशर्रफ साहब वर्गा रखणगे या दलेराना फैसला करनगे। अदालत जिहड़ी आ मौजूद अदालत वो बहुत स्लोली डीपली जिहड़ी आ इस गल नू जिहड़ी आ वो गौर करदी हुई कदम ब कदम जिहड़ा जिहनू कहिंदे कदम फूं फूं के रख के जिहड़ी हर चीज़ नू चल रही आ। उन्होंने अज भी बहुत सारे सवाल आ जिहड़ी अपोजिशन ने डेढ़ हुशियारी दे नाल उन्हां दे उत्ते कार्रवाई पाउण की कोशिश की, उन्होंने उन्हां नू डिनाई किया। इस तरह ही पाक फौज जिहड़ी आ उन्हें भी इन्हां दे डेढ़ हुशियारां दे जवाब जिहड़े आ बड़ी अकलमंदी और फरासत दे नाल जिहड़े आ वो हजे तक दिते आ। इस तरह ही जिहड़ी इलैक्शन कमीशन ते एक इल्ज़ाम लाया गया सी कि वो कहिंदा जी 6 महीने तक मैं इलैक्शन वास्ते तैयार ही नहीं हैगा, वो फिर जदों रज़ा रब्बानी साहब ने अज वो जिहड़ी फेक न्यूज़ सी उहदे तो अपनी जिहड़ी आ स्टेटमेंट दा जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट च जाके उन्होंने जदों बहस शुरू की उत्थे उन्हें कोर्ट करन की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह दा करना होया कि जिहड़ा इलैक्शन कमीशन आ उन्हें जनाब जिहड़ा वा उहदी तरदीद कर दित्ती कि असी बिल्कुल इलैक्शन वास्ते तैयार हाँ, साडे वास्ते कोई आईनी बहरान नहीं हैगा, अस साडा एक रूल एंड रेगुलेशन आ कि जदों हकूमत खत्म हो जाती असी 3 महीने के अंदर अंदर जिहड़े इलैक्शन कराने दे पाबंद आ। यानी पहली फेक न्यूज़ के आर्मी दे DGISI साहब ते आर्मी चीफ साहब जिहड़ी अपनी वजाहत पेश करन और उहदे ते फिर जिहड़े मिनट्स आ उहनां दा मुतालबा किया गया, फिर जी एक झूठ बोलिया गया कि सानू खत ही नहीं मिलिया कि जिहड़ा वो इन कैमरा सैशन वाला जी वह भी अया हो गया। जिहड़ा DGISBR साहब ने उन्होंने जिहड़ा स्टेटमेंट दे के इन्हां दा नैरेटिव जिहड़ा वो बलडोज कर दिता, फिर इलैक्शन कमीशन के उत्ते एक झूठी खबर चढ़ाई गई, फिर वो जिहड़ा इलैक्शन कमीशन ने जनाब वो जिहड़ा वा इन्हां दा नज़रिया दफन कर दिता। बाहर हाल जी हजे सूरत हाल बड़ी गंभीर किस्म की आ, लेकिन आफरी ना उन्होंने मुल्कों के उत्ते जिन्होंने पाकिस्तान के उत्ते आसान किया कि वो जिहड़े कर्जे रीशड्यूल किए ताकि IMF जिहड़ी आ उहदे बर्डन थले पाकिस्तान आके कोई गलत फैसला ना कर देवे। जदों IMF ने इस सूरत हाल देखी तो उन्हें अज एक स्टेटमेंट देती आ कि साडे मामलात पाकिस्तान ना बहुत अच्छे आ, असी कोई भी पाबंदी नहीं लाई, हालांकि गुज़श्ता जिहड़े पिछले दिन जिहड़े सी जी उन्हें बड़ी खामोशी च और बड़ी परेशानी च पाकिस्तान नू पाई रखिया। इस तरह ही जिहड़ा हुण जिहड़ी तलवार आ वो फैट ऑफ दी पाकिस्तान दे उत्ते जिहड़ी लटकदी होई आ उहदे ते भी अटैक करन दी कोशिश की जाएगी। इस तरह ही होर जिहड़ियां पाबंदियां लाने की कोशिश की जाएगी अगर ये रजीम चेंज वाला जिहड़ा उन्हां दा फार्मूला वो फेल हो गया। बाहर हाल उम्मीद रखो कि पाकिस्तान दे नाल बहुत सारे लोग जिहड़े इस खिते दे खड़े हो गए आ, पाकिस्तान दी एस्टैबलिशमेंट जिन्हों पाक फौज कहा जाता उहदे कंधे दे नाल कंधा मिला के बहुत सारे ममालक जिहड़े वो खड़े हो गए आ। इस तरह ही सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी आ बड़ी दानिशमंदी दे तौर ते जिहड़े फैसले जिहड़े आ उहनूं अगे लै के आहिस्ता आहिस्ता चल रही आ। अल्लाह ताला को दुआ करो कि पाकिस्तान जिहड़ा वा वो इस मुसीबत और इस अजाब तो बच जाए, साडे जिहड़ी आने वाली नसल आ वो एक आज़ाद नसल होवे, अपने मुल्क दे मुस्तकबिल दे अपनी तरक्की दे जिहड़े फैसले आ वो अच्छे तरीके नाल करदे जाण। बाकी जिहड़ी रिपोर्टां होणगियां जी वो तुहाडे नाल ज़ाहर कीतियां जाणगियां या शेयर कीतियां जाणगियां। अल्लाह ताला तुहानूं तंदरुस्ती देवे, जींदे रहे ते सवेरे मुलाकात होगी। सबनूं सलाम दुआ, अल्लाह ताला तुहाडा मुहाफिज़ जी।